हेलो एवरीवन बेटा, आई एम अगेन हियर विद योर न्यू टॉपिक ऑफ योर रीडर चैप्टर. ओके, द नंबर ऑफ द चैप्टर इज थर्ड वन एंड द नेम ऑफ द योर चैप्टर इज विंटर्स टेल. यू आर कंफ्यूजिंग विद दिस वर्ड हियर. द विंटर इज द नेम ऑफ ए फिश, डॉल्फिन फिश. ओके, विंटर्स टेल, विंटर की कहानी. ओके, द वर्ड इज बिलोंग टू फिश, एक मछली का नाम है इसमें, इस स्टोरी में आपके, जिसका नाम विंटर रखा गया था. तो इसमें हम उस मछली की कहानी पढ़ेंगे. ठीक है, सी हैज लॉस्ट हर टेल इन एन एक्सीडेंट एंड इंजर्ड वेरी बैडली. ओके, तो इस जो स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वी विल know about the more things of this chapter. इसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे कि इस जो मछली थी, इसकी सर्जिकल पार्ट जो था, जो इसकी टेल थी, जो इसकी पूंछ थी, वो इंजर्ड हो गई थी. तो फिर क्या हुआ था कि इसकी नई पूंछ लगाई गई और ये आसानी से बाद में एक नॉर्मल लाइफ को लीड करने लग गई थी. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल मूव फॉरवर्ड to read this chapter. Oh ho ho, but here few questions to all of you. This is a quiz. Okay, what is the fear of spiders called? Theek hai, mostly the children's fear with darkness. Okay, someone with a rat, कैच, स्ट्रीट डॉग. ओके, जो बच्चे होते हैं ना, वो मोस्टली इन चीज़ों से डरते हैं. ठीक है, बट हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द फियर ऑफ स्पाइडर कॉल्ड. जब आप मकड़ी से डरते हो ना, उस फियर को क्या बोलते हैं? ठीक है, सो आई विल राइट द आंसर इन शॉर्ट, बट दिस इज द वार्म अप क्वेश्चन. ओके, दिस क्वेश्चंस आर टू वार्म अप. ओके, आपको वार्म करने के लिए, दैट विच टाइप नॉलेज यू हैव. नाउ द फर्स्ट वन इज स्पाइडर फोबिया. ठीक है, जब आप मकड़ी से डरते हो, उस डर को क्या बोलते हैं? स्पाइडर फोबिया. And second which also the name of this arachnophobia. Okay, these two similar words. Now the B one is, which animal can survive on a diet that's 99% bamboo. Okay, which animals? I think 50% students know about it because it is a popular and cutest animal. This is the panda. Okay, because pandas are vegetarian. Okay, vegetarian होते हैं और 99% bamboo खाना ही पसंद करते हैं. ठीक है, so now the answer is B number, pandas. Okay, this is the information to all of you that which type knowledge you have. Third one is, which is the fastest animal on the land. I believe that 99% students know about it. Okay, as I'm thinking that all the students who are taking the class in offline, that which is the fastest animal on the land. Okay, to so clear your answer, the animal name is cheetah. ठीक है, जो सबसे तेज दौड़ने वाला जो एनिमल है वो है आपका चीता. Now here is the last question, which animal can live a lifetime without water? This is also wonderful, amazing. Okay, because for all the persons, animals, birds, the water is essential. Okay,
पानी सभी के लिए बहुत जरूरी है, बट इन दिस क्वेश्चंस विच एनिमल कैन सर्वाइव, ठीक है, एनिमल के लिए पूछा जा रहा है विच एनिमल कैन सर्वाइव लिव विदाउट वाटर लाइफ टाइम, जिंदगी में एक बार भी जो पानी नहीं पी रहा है वो कौन सा एनिमल है. सो द नेम ऑफ द एनिमल कैंगरू रैट. ओके, दिस इज द काइंड ऑफ ए रैट, एक तरीके का ये चूहा है जो कभी भी पानी नहीं पीता है. आई थिंक एटलीस्ट द लीड्स 3-4 years लाइफ, ठीक है, 3-4 साल का इनका जीवन होता है और ये उसमें पानी नहीं पीते हैं. सो द आंसर इज कैंगरू रैट. हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. हियर वी आर मूविंग फॉरवर्ड्स अवर टॉपिक. विंटर्स स्टोरी हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हियर नॉट योर विंटर सीजन, दिस इज द नेम ऑफ ए डॉल्फिन फिश. ओके, विंटर जो वर्ड आया है ये आपकी डॉल्फिन फिश के लिए है. इस पूरे चैप्टर में आप, इन दिस चैप्टर यू हैव टू रीड अबाउट अ एंजर्ड फिश. ओके, डॉल्फिन फिश के बारे में पढ़ने वाले हैं आप. तो हियर द नेम विंटर इज फिश नेम. तो विंटर की जो स्टोरी थी ये पूरी दुनिया में इसने सभी को इंस्पायर्ड किया था. एवरी डे स्कोर्स ऑफ विजिटर्स आर वेलकम टू क्लियर वाटर मैरिन एक्वेरियम. इसको कहाँ रखा गया था? क्लियर वाटर मैरिन एक्वेरियम. एक्वेरियम यू नो वेरी वेल वेयर द फिशेस लीड द लाइफ, ठीक है. तो एवरी डे यानी कि रोज की रोज जो विजिटर्स थे, उसको जो देखने वाले आने वाले थे, उनकी संख्या में क्या हो रहा था? इंक्रीजमेंट हो रहा था, ठीक है. अमोंग देम आर दोज हु हैव सिमिलर टेल्स. वो लोग मोस्टली उसको देखने आते थे जिसके साथ में, जिन पर्सन के साथ में उस डॉल्फिन फिश के जैसे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई थी, ठीक है. ऐसे पर्सन आते थे देखने उसको जो कि उसी के जैसे किसी एक्सीडेंट से इंजर्ड हो चुके थे. नाउ मूव फॉरवर्ड. एट फर्स्ट ऑफिशियल्स द एट द क्लियर वाटर मैरिन एक्वेरियम ऑन द गल्फ कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा यूएसए थॉट केविन कैरलस कॉल वाज ए प्रैंक. एट फर्स्ट ऑफिशियल एट द क्लियर वाटर, वन मिनट बेटा. At the first officials, the Clearwater Marine Aquarium on the Gulf Coast of Florida, USA, Florida शहर और स्टेट है USA, कि वहाँ के जो अधिकारी थे जिनके अंडर कस्टडी में वो डॉल्फिन थी, ठीक है, उस एक्वेरियम में थी, उनको ऐसा लगता था कि जो केविन कॉर्लस, बेटा इसी ने इसके डैमेज पार्ट का सर्जन किया था, ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन किया था बाद में इन्होंने ही. तो उन अधिकारियों को क्या लगा कि जो इन्होंने मुझे ये बात बताई है ये एक प्रैंक है, ठीक है. प्रैंक मतलब आम बोलते हैं ना, मजाक उड़ाना, लाइक दिस टाइप, ठीक है. वो बात केविन ने क्या था, केविन कैरल्स ने क्या बोला था वो हम आगे पढ़ेंगे. कैरल सेड ही हैड हियर्ड ऑन द रेडियो अबाउट द एंजर्ड डॉल्फिन दैट वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम ए क्रैब ट्रैप. कैरल कहते हैं कि मैंने रेडियो पर इस एंजर्ड फिश के बारे में सुना था, ठीक है, जिसने एक केकड़े के ट्रैप से अपने आप को बचा लिया था. ही वॉन्टेड टू सी इफ ही कुड बिल्ड द एनिमल्स ए प्रोस्थेटिक टेल टू रिप्लेस द वन दैट हैड बीन कंप्यूटेटेड. आप देखिए, अब वो क्या करते थे कि जैसे कोई एनिमल्स पे ही उन्होंने पहले रिसर्च किया हुआ था कि अगर कोई भी एनिमल्स हैं उसका कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज हो गया है, तो वो ट्राई कर रहे थे, वो रिसर्च में लगे हुए थे कि जो वो पार्ट है डैमेज वाला उसको वो प्लांट करते थे, ठीक है, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट को उस बॉडी में प्लांट करते थे वो. तो उन्होंने कहा ही वॉन्टेड टू सी इफ ही कुड बिल्ड द एनिमल्स प्रोस्थेटिक टेल. अब वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए एक सर्जिकल टेल
यानी कि बनावटी एक पूंछ, इसके लिए बनाऊं, बिकॉज विंटर हैज गॉट इंजर्ड टेल, ठीक है, उसकी जो पूंछ थी वो इंजर्ड हो गई थी. रिप्लेस द वन दैट हैड बीन एम्प्यूटेड, ठीक है, तो मैं एक इसका ऑपरेशन करूं, ठीक है, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है टेल का उसको अलग करके इसकी जगह पर एक नई आर्टिफिशियल इसकी टेल पूंछ बनाकर इसमें प्लांट कर दूं. कैरल हु इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोस्थेटिस्ट कन्विंस द डॉल्फिन्स केयर टेकर ऑफ हिज एबिलिटीज एंड ड्रोव फ्रॉम ऑरलैंडो टू मीट विद देम द डे. कैरल हु इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोस्थेटिक थे. प्रोस्थेटिक मीन्स होता है बेटा वो सर्जन या डॉक्टर जो कृत्रिम अंगों को बनाता है और फिर उसको प्लांट करता है, ठीक है. आर्टिफिशियल अंग जो बनाते हैं और प्लांट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिस्ट. कन्विंस द डॉल्फिन्स टेकर केयर, उन्होंने यकीन करवाया जो डॉल्फिन का देखभाल कर रहे थे उन वर्कर्स को, उन ऑफिसर्स को, कि मैं ऐसा कर पाऊंगा. ऑफ हिज एबिलिटीज, इतनी उनमें एबिलिटी है. एंड ड्रोव फ्रॉम ऑरलैंडो टू मीट विद देम द डे, और उसी दिन वो अपने जो उनका ग्रुप था डॉक्टर्स का उनसे मिले ऑरलैंडो. ऑरलैंडो बेटा सिटी का नेम है, ठीक है, फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा में एक सिटी का नेम है. टू मीट विद देम द डे, तो उसी दिन इमीडिएटली वो अपनी टीम से मिले. द 3 month ओल्ड डॉल्फिन नेम्ड विंटर बिकॉज सी वॉज फाउंड ऑन ए पर्टिकुलरली कोल्ड दिसंबर डे इन 2005. देखिए अब इस डॉल्फिन फिश का नेम विंटर क्यों रखा गया, ठीक है. इट इज़ इंटरेस्टिंग बट कन्फ्यूजिंग ऑल्सो वाई फिश नेम इज़ विंटर, ठीक है. अब जानवरों के तो कोई नाम नहीं होते हैं ना, तो इसलिए इसका नेम विंटर ही क्यों पड़ा. सो द रीज़न इज़ हियर, वो जो मछली थी वो डॉल्फिन थी ओनली 3 years ओल्ड, 3 साल की थी. एंड नेम्ड विंटर बिकॉज सी वॉज फाउंड ऑन ए पर्टिकुलर कोल्ड दिसंबर, ठीक है, जो हमारे दिसंबर और जनवरी होते हैं ना, ये सबसे कूलेस्ट मंथ होते हैं, ठीक है, इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है. तो जो 2005 था उसकी दिसंबर को ये मिली थी, इसलिए इसका नाम विंटर रख दिया गया. इमीडिएटली स्टोल कैरल्स हर्ट, अब इमीडिएटली स्टोल कैरल्स हर्ट, उसका जो हर्ट था उसको बचाया गया. इन टाइम सी वुड स्टील हर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड इंस्पायर द 2011 मूवी डॉल्फिन टेल. अब देखिए फिर क्या हुआ कि इस मछली की कहानी जो थी उससे पूरा जो वर्ल्ड था वो इंस्पायर्ड हुआ, ठीक है, और 2011 में इसी मछली के ऊपर एक पिक्चर भी बनी, पिक्चराइजेशन हुआ इसका, जिसका नेम था डॉल्फिन टेल, इन विच सी प्लेज हर सेल्फ, और जिसमें इसी मछली ने रोल प्ले किया था, ठीक है. इट ऑल्सो स्टार्टेड टॉप हॉलीवुड एक्टर्स लाइक मॉर्गन फ्रीमैन एंड एजले जन, और देखिए ये कितनी पॉपुलर हुई, उतनी ही पॉपुलर हुई जितनी के हॉलीवुड के जो एक्टर हैं, द नेम इज हियर मॉर्गन फ्रीमैन एंड एजले जूड, ठीक है, ये दो जो नेम यहाँ पर मेंशन हुए हैं कि हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर हैं, तो डॉल्फिन इन्हीं के बराबर हॉलीवुड में अपनी फिल्म को लेकर फेमस हुई. कैरल्स रिकॉल्स हिज फर्स्ट मीटिंग विद द बॉटल नोज डॉल्फिन. कैरल्स रिकॉल हिज फर्स्ट मीटिंग, अब देखिए जब कैरल उससे पहली बार मिलने आए थे, ठीक है, कैरल आई टोल्ड यू प्रोस्थेटिक्स. कैरल्स रिकॉल हिज फर्स्ट मीटिंग, कैरल्स ने अपनी पहली मीटिंग उस बॉटल नोज यानी कि द काइंड ऑफ डॉल्फिन, तो बॉटल नोज डॉल्फिन से उन्होंने जब अपनी पहली मीटिंग की, ऑब्वियसली विंटर वॉज वेरी सिक एंड बैडली इंजर्ड,
जब उन्होंने पहली बार उसको देखा था तो वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुई थी, घायल हो गई थी, वेरी सिक और बीमार भी थी, एंड द पीपल एट द एक्वेरियम वर हार्ट ब्रोकन, और जो लोग थे जो एक्वेरियम में उसको देखने आते थे वर हार्ट ब्रोकन, यानी कि बहुत दुखी थे, दे वर जस्ट इनक्रेडिबल विद हर। ठीक है, वो जो लोग आते थे उसको देखने वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते थे, सरप्राइज हो जाते थे उससे मिलकर या उसको देखकर। वर्किंग राउंड द क्लॉक, जो वहाँ पर पूरे राउंड द क्लॉक का मतलब होता है बेटा 24 आवर्स, ठीक है, पूरे 24 घंटे जो काम करता है। देयर वॉज नेवर ए मोमेंट दैट विंटर वॉज विदाउट ह्यूमन कॉन्टेक्ट। अब देखिए, एक भी सेकेंड या मिनट ऐसा नहीं होता था कि जब उस विंटर यानी कि उस डॉल्फिन फिश के सामने कोई पर्सन ना हो, क्योंकि एक्वेरियम के सामने कोई ना कोई पर्सन खड़ा ही रहता था। दे वर नाउ हर अडॉप्टेड फैमिली, दे वर नाउ हर अडॉप्टेड फैमिली, क्योंकि वो उसी की अडॉप्टेड मीन्स होता है वैसे गोद लेना, ठीक है, तो उसी की गोद ली हुई फैमिली में से थे। कैरल गॉट इन टच विद हिज कलीग, कलीग मीन्स बेटा जो साथ में काम करने वाले होते हैं, ठीक है, तो जो कैरल्स थे उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ में या हेल्पर्स के साथ में टच में रहना शुरू कर दिया या रहने लग गए। डैन हु हैपेंड टू लिव नियर बाई इन फ्लोरिडा, नेम दैट पर्सन वॉज डैन, वो कौन थे जो उनके कलीग थे, डैन हु हैपेंड टू लिव नियर बाई इन फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा में अकस्मात या ठीक है या लक बाई चांस उन्हीं के पास में ही रहते थे। द टू ऑफ देम क्विकली थ्रू देमसेल्फ इन टू द प्रोजेक्ट, ये दोनों पर्सन एट द टाइम, ठीक है, उसी समय इस वर्क में या इस प्रोजेक्ट में कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। दे हैड बिल्ट या ये उन्होंने इमिडिएटली इस काम को शुरू कर दिया। दे हैड बिल्ट प्रोस्थेटिक्स फॉर बर्ड्स हॉर्स एंड डॉग्स बिफोर बटने वाले डॉल्फिन, ये लोग देखिए साथ में काम कर चुके थे, किन किन एनिमल्स के या बर्ड्स के इन्होंने आर्टिफिशियल पार्ट बनाए थे, वो थे बर्ड्स के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल पार्ट्स बना लिए थे, हॉर्सेस के लिए बना लिए थे, डॉग्स के लिए बना लिए थे, लेकिन इससे पहले इन्होंने डॉल्फिन के लिए कभी कोई पार्ट नहीं बनाया सर। सो दिस इज द न्यू वर्क फॉर देम। कैरल एंड डैन हैड टू फर्स्ट फिगर आउट वेदर ए फेक टेल वुड इवन हेल्प विंटर, कैरल एंड डैन हैड टू फर्स्ट फिगर आउट, समझ रहे थे, ठीक है, कैरल और डैन कि क्या एक फेक टेल यानी कि आर्टिफिशियल टेल विंटर को हेल्प करेगी उसको वाटर में स्विम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को, ह्यूमन पर्सन को अगर कोई आर्टिफिशियल पार्ट बॉडी पार्ट अटैच किया जाता है तो वो उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। ए पर्सन कैन मैनेज द आर्टिफिशियल पार्ट बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ए फिश आर बर्ड आर एनिमल कैन ऑल्सो डू द सेम, सो दे आर कन्फ्यूजिंग दैट द विंटर दैट द विंटर कैन डू इट। द डॉल्फिन कुड स्टिल स्विम ऑन हर ओन, क्या कभी ये डॉल्फिन ये मछली अपने आप से तैर पाएगी, डिस्पाइट लॉजिंग हर एंटायर टेल, जबकि उसने अपनी खुद की गॉड गिफ्टेड जो उसकी टेल थी उसको खो दिया था, एंड टू वर्टिब्रे वर्टिब्रे, ठीक है, और उसके वर्टिब्रे द स्मॉल बोन ऑफ अवर बैक यू नो वेरी वेल बिकॉज इफ यू आर रीडिंग द साइंस ऑल्सो, सो जो उसकी जो टेल थी वो इंजर्ड हो गई थी और जो उसकी पीठ की जो छोटी सी बैक बोन में जो वर्टिब्रे थी वो भी डैमेज हो चुकी थी। सी हैड एडेप्टेड लर्निंग टू स्विम साइड टू साइड द वे ए फिश आर शॉक वुड इंस्टीड ऑफ द अप एंड डाउन मोशन यूजली फॉर डॉल्फिन।
सी हैड एडेप्टेड, ठीक है, वो यूज़ कर पाएगी, यूज़ करती थी लर्निंग टू स्विम साइड टू साइड, ठीक है, सीख रही थी अभी साइड टू साइड स्विम करना, द वे ए फिश और शार्क वुड, उस अभी क्या कर रही थी, बहुत छोटी थी वो डॉल्फिन, वो विंटर जिसका नेम था, ठीक है, अभी क्या कर रही थी वो, ओनली सीख रही थी स्विमिंग, ठीक है, और अभी तो उसके बीच में सार्क मछली भी आ जाती थी और दूसरे तरीके की मछलियाँ भी आती थी, इंस्टीड ऑफ द अप एंड डाउन, जब वो ऊपर नीचे होती थी, ठीक है, पानी में नीचे भी जाती थी और ऊपर भी आती थी, मोशन गति से यूजुअल फॉर डॉल्फिन, जैसा कि डॉल्फिन करते हैं, सी कुड नॉट स्विम एज फास्ट आर जंप एज हाई एज मोस्ट डॉल्फिन्स, सी कुड नॉट स्विम, अभी तो ये इतना भी स्विम नहीं कर पाती थी, इतनी भी जंप नहीं कर पाती थी जितना कि मोस्टली डॉल्फिन्स कर लेते हैं, बट द रियल प्रॉब्लम वॉज दैट सी वॉज स्लोली डैमेजिंग हर स्पाइन, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये थी, स्पाइन मीन्स होता है बेटा रीढ़ की हड्डी, बैक बोन, ठीक है, तो वॉज स्लोली डैमेजिंग, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी ना वो भी धीरे धीरे डैमेज हो रही थी, सो दे फेल्ट दैट बाई फिटिंग हर विद ए प्रोस्थेटिक डिवाइस विंटर कुड गेट स्विमिंग इन द राइट मैनर अगेन, सो दे फेल्ट, इसलिए उन्होंने सोचा, ऐसा उन्होंने फील किया दैट बाई फिटिंग हर विद ए प्रोस्थेटिक डिवाइस, कि अगर हम इसका ये प्रोस्थेटिक जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट हैं डिवाइस, इसको एक गैजेट से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, विंटर कुड गेट स्विम, तो विंटर क्या है, हो सकता है कि जो ये डॉल्फिन है ये फिर से स्विमिंग करना, तैरना स्टार्ट कर दे इन द राइट मैनर अगेन, ठीक है, सेम पोजीशन में पहले के जैसे ये यहाँ से राइट करना स्विमिंग करना स्टार्ट कर दे। नाउ हियर द टाइम इज ओवर नाउ बेटा, नेक्स्ट स्टैंजा द चैलेंज इज वी विल रीड नेक्स्ट डे, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड यू हैव टू रीड द स्टोरी योरसेल्फ, ओके, थैंक्स अगेन।